हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास टेंथ के मैथ का प्रश्नावली 1.2, ठीक है ना। तो मैं प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ही आप लोगों को क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर में हमको पढ़ना है ना एलसीएम, एचसीएम और भी अवायु गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो इन तीन चीजों का यूज करना है आपको, क्या क्या, एलसीएम, एचसीएम, एलसीएम, एचसीएम, इसको कहते हैं लस, इसको कहते हैं मास, वो भी बताता हूं उसके बारे में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अवायु गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य मतलब ऐसी संख्या से का इसका जो गुणनफल या गुणनखंड जो होगा, मतलब इसको जब हम खंडों में तोड़ेंगे तो वो नंबर जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, मतलब जो कि सिर्फ डिवाइडेड हो और केवल किससे, एक्स डिवाइडेड हो, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है 140, करते हैं 140 को सॉल्व। 140, 270, ठीक है ना। 2 से अगर करते हैं, फिर 2 से करते हैं तो कितना आएगा, 35, फिर 5 से करेंगे 5, 7, फिर 7 से करेंगे 7, ठीक है ना। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना, तो हम लोग को क्या करना है, याद रखिएगा जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा उसको उतने के पावर लगाने से, 3 टाइम 4 टाइम करता है मल्टीप्लाई तो उसको पावर में लगा देते हैं। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, दो कितनी बार है, 2 बार है, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई, 5 कितनी बार है, 1, और 7 कितनी बार है, 1। ये हमारा हो गया क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। दूसरा वाला देखते हैं 156, 156 को 2 7 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 9 जा, ठीक है, सॉरी 2 3 जा 2 9 जा 3 13, 2 कितनी बार है, 2 बार आ रहा है, 2 के पावर 2 3 एंड 13 इसका ये, ठीक है। उसके बाद अगला है थर्ड नंबर 3825, तो ये नंबर तो लास्ट में 5 है, मैक्सिमम लोग को ये बात पता होगी कि हमें इसको किसे डिवाइड करना है 5 से, लेकिन एक रूल होता है कि अगर आप नंबर को ऐड करो, 3 को 8 कितना हो गया 11, 11 को कितना हो गया 13, 13 में 5 ऐड करेंगे 18, अगर ऐड करने पे ऐसा नंबर आता है जो कि 3 से डिवाइड हो, किससे, 3 से डिवाइड हो, तो पूरा पूर्णांक जो 3 से डिवाइड होता है है, तो इसको ऐड करने पर 18 आया, मतलब 18 आया, 18 से डिवाइडेड है, मतलब ये भी नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 2 6, ठीक है, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है, फिर 3 4 12, 3 2 6, ठीक है, 3 5 15, ठीक है। अब ये 4 2 6 5 11 हो रहा है, तो इतने से घटेगा नहीं, 5 और सीधे 46, 5 17 17, 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम, 5 2 टाइम्स ऑन 17, इसका आंसर ये, ठीक है। इसी तरीके से 5005 का है, तो पहले तो यह 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5 0 0 1, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो 1 से 7 डिवाइड होगा, ठीक से 7, 7 एकम 7, 3 का ये 3 बचेगा 3 और ये 0, 7 28 और 7 3 21, ठीक है। जिसको भी दिक्कत है वो उठाएगा अपन कॉपी पेन उठा के वो सॉल्व कर सकता है। फिर किसे देखते हैं, 11 से करते हैं, 11 से करते हैं तो 1,
और थर्ड थर्ड थर्टीन, फाइव इंटू सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन, इसका ये आंसर सही है। उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला, सेवन फोर टू नाइन, ऐड करके देख ले, थ्री डिवाइड हो रहा है, नौ दो ग्यारह, ग्यारह चार पंद्रह, पंद्रह सात बाईस, दो थ्री से डिवाइड होगा नहीं, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इसको ना अपन डिवाइड करेंगे तो सेवनटीन से होगा, ठीक है ना, तो सेवनटीन से कहते हैं चार, ठीक है, फोर थ्री कितना आएगा सेवन, अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना क्लियर होगा, फोर थ्री सेवन सत्रह अठारह उन्नीस, उन्नीस से करेंगे तो कितना अड़तीस हो जाएगा, अड़तीस पांच उन्नीस हो जाएगा, अड़तीस सत्तावन सत्तावन फिर ट्वेंटी सेवन, तो इसका अगर सेवनटीन इंटू नाइनटी इंटू ट्वेंटी थ्री, ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू की बारी आएगी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, इसमें क्या है कि जो निम्नलिखित पूर्णांक, जो नीचे पूर्णांक मतलब नंबर दिए गए हैं, उसका एचसीएफ और एलसीएफ निकाल देना है आपको, निकालने के बाद बताना है कि एलसीएफ और एचसीएफ का गुणनफल दो जो संख्याएं दी गई है ना उसके गुणनफल के बराबर होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, आइए निकालते हैं एचसीएफ, इस नंबर का निकालते हैं तो 26 का निकालें, गुणनखंड करते हैं, ठीक है, उसके बाद सात तिरेकन तेरह, ठीक है, तो जो दोनों में, ठीक है ना, जो क्या है दोनों में मिल रहा है, तो इसमें क्या मिला है थर्टीन और थर्टीन, इसको लिख देते हैं ना पूरा, छब्बीस कैसे आ रहा है, दो गुड़े तेरह से आ रहा है, और जो इक्यानवे है वो कैसे आ रहा है सात गुड़े तेरह से, जो दोनों में सेम होता है वही हमारा क्या होता है एच सी एफ बराबर कितना गया थर्टीन। हमको ना एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम जो है वो हमारा कैसे आएगा एच सी एम, वो हमारा जो एच सी एफ है ना उसके अलावा जो भी बचता है गुणनखंड में उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बचा क्या है दो बचा है या बचा है सात बचा है, ठीक है, इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना था 182 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 182, ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये वाले फॉर्मूले पे आना है, हमने यहाँ पे रूल लिख देते हैं ना रूल से कि भैया एलसीएम जो है वो 182 है मल्टीप्लाई एचसीएफ 13 से, अगर हम लोग करते हैं दोनों संख्या गुणनफल मतलब 26 और इक्यानवे, ठीक है, तो कितना आ जाता है 23 66, आप इसको चेक कर लीजिएगा 23 66 ही आएगा, ठीक है, दूसरा वाला देख लेते हैं 510, ठीक है, निकालते हैं एचसीएफ 510 और 92 का, दो से करते हैं दो दूनी चार, दो पांच दस, दो पांच दस आएगा, ठीक है, थ्री एक थ्री एट एट जा फोर 24, थ्री फाइव जा 10, फाइव जा 5, फाइव हंड्रेड 35, सेवन टू हंड्रेड 17, ये अगर देखते हैं 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 आएगा, फिर देखते हैं 2 रूट ऑफ 4, 2 3 जा 6 आएगा, ठीक है, अब वो क्या करना है जो सेम है, क्या है जो सेम सेम है उसको क्या कर देना लिख लेना है, जैसे इसका क्या जाएगा 2 और इसका 2, ठीक है,
ठीक है, फिर थ्री कुछ भी नहीं मिल रहा है। एचसीएफ लिख देते हैं भैया, एचसीएफ बराबर 2, और तब एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम, ठीक है, हमारा एलसीएम क्या होगा उसको देखना होगा। एलसीएम जो है हमारा एचसीएफ को छोड़ के, बाकी एचसीएफ को लिख के सॉरी, बाकी जो भी बचता है जैसे 3 बचा, 2 बचा, तो हम लोग 2 को पहले लिख, 2 को लिख लेते हैं, फिर 3 को लिख लेते हैं, फिर 5 बचा, 5 को लिख लेते हैं, 17 को, 23 को लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो उसका एलसीएम है मैंने पहले से करके रखा हुआ है, आप सब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना है वो, 2, 3, 4, 6, 0, ठीक है, 23,460, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि रूल से अपना भैया रूल आ जाता है कि एलसीएम गुणा एलसीएफ कर देना है। एलसीएम क्या है, 23,460 है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 510 और मल्टीपल बाई 92, मल्टीपल कर देते हैं, 0 2 6 12, 2 4 8 9, 23 2 9 46, आप देख लीजिएगा 46,920 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, इसका एचसीएफ 336 का गुणनखंड करते हैं, 2 देखो हम, 2 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 8, ठीक है, 2 6 8, 2 2 6 4, 21, 321, 7 1 7, 54 का करते हैं, 2 27 आएगा, 3 9 27 होगा, 3 3 9 होगा, सेम कौन है, 2 मिल गया। चलो भैया एच सी एफ वाले भैया मिलकर 2 मल्टीपल, 2 तो इधर है नहीं भैया, 3 मिल गया, चलिए 3 भी मिल गया इधर से, 2 3 6, एच सी एफ जो मिला उसको एलसीएम में तो भैया इंक्लूड कर देंगे, बाकी जो बचा 2 बचा, फिर 2 बचा, फिर 2 बचा, इधर का काम खत्म, फिर 3 3 बचा, फिर कौन बचा इधर से, 7 बचा, ठीक है ना। तो इसके लिए कैलकुलेटर है, जिसका भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उससे आपका कैलकुलेशन ही तेज होगा। तो इसका जो एलसीएम हो कितना आएगा, 30 24 आएगा, और एचसीएफ 6 हमारा रूल फिर से भैया आ गया, क्या आ गया, एचसीएम मतलब 30 24 आपका गुणा एचसीएफ जब करता है तो दोनों संख्याएं मतलब 3 3 6 और 5 4 से भी मल्टीपल करेगा, तो दोनों का जो कैलकुलेशन है वो कितना आएगा, 1 8 1 4 4, ठीक है, 1 8 1 4 4, आप मिला लीजिएगा, ये सही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 भी बताता हूं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या है कि अभाज्य संघ गुणनखंड विधि से, ठीक है ना, तो जो निम्नलिखित पूर्णांक दिए गए हैं उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कर देना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, आइए देखते हैं, एक 12 का पहले करते हैं ना, 12 का 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 15 का करते हैं, 3 5 15, 5 1 5, 21 का करते हैं, 3 7 21, 7 1 7। तो पहले हमको क्या, एचसीएफ निकालते हैं भैया, एचसीएफ, एलसीएम, ये तो ठीक चाहिए ना, परेशानी हुई है, 2 देखिए है कहीं, तीनों में मिलना चाहिए, एचसीएफ मतलब कॉमन होना चाहिए तीनों में, ठीक है ना, कॉमन मिलना चाहिए ऐसी चीज, तो 2 इसमें नहीं है, 2 3 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, और 3 यहाँ, मतलब तीनों में 3 मिलता है, तो जो भी चीज तीनों में मिलती है वही एचसीएफ होती है, 3, ठीक है। एलसीएम मैंने बताया गया कि एचसीएफ को लिख दीजिए, बाकी जो भी बचा है मल्टीप्लाई, 2 2 4 कर दीजिए, 2 2 कर दीजिए,
फाइव को कर दीजिए, ये सेवन को कर दीजिए, दो दो नीचे आपने 20 42 420 आएगा, ठीक है ना। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ, वैसे देखते ना, तो दो नीचे 12 60 46 420। इसके बाद इसका देखते हैं 17 का गुणनखंड करते हैं तो 17 एकम 17, 23 का करते हैं तो 23 एकम 23, 29 का करते हैं तो 29 एकम 29। तो तीनों में कॉमन जानते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई कोई सेम नहीं दिख रहा है तो कुछ भी, मतलब एचसीएफ के लिए कुछ तो सेम चाहिए भैया, तो एचसीएफ के लिए तो सेम कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में हम एक को मान देंगे कि हम एक से इसको डिवाइड कर सकते हैं, और हमेशा एक आएगा, एक एक आ गया, चलिए ना एक कर देंगे, फिर एक आएगा, एक का आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लेंगे वो भैया एक ही आने वाला है, तो एचसीएफ हम लोग क्या कहते हैं इसको, एक है। और एलसीएम फिर वही चीज, एक का मल्टीपल करते हैं, चलो एक को लिख ही देते हैं, 17 बचा है भैया, 23 भी बच गया है तो भैया 29 बच गया है, एक का मतलब लिखो चाहे नहीं लिखो, एलसीएम ठीक है कितना है, ग्यारह हजार 339, ठीक है इसका ये एलसीएम है। अगला वाला जो है वो देखते हैं, 8 का गुणनखंड कर लेते हैं, तीनों नंबर जो है अलग अलग हैं, मैं करके आपको दिखा देता हूँ, वो तो दिख आप खुद ही समझ गए होंगे कि वो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 3 3 9 3 3 25 का करते हैं, 5 25 5 5, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कॉमन कुछ भी नहीं मिलता है तो हमको एचसीएफ एक लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचा, ये 2 2 4 2 6 8, मैं इसे लिख देता 2 2 2, उसका 3 3, इसका 5 5, 2 2 4 2 8 24 24 24 तें 72 72 5 360 360 में 5 से गुणा करेंगे 5 31 15 15 18, कितना आएगा 1800, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 बचा है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं उसको भाग दो में बता दूंगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे और बगल में बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करिएगा, जिससे नया वीडियो आते हैं आपको क्या नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।